यहां कंस महाराज ने सोचा कि कृष्ण को तो मथुरा बुलाना चाहिए, और कंस महाराज ने अक्रूर जी को लेने भेजा। और कंस महाराज ने जब अक्रूर जी को लेने भेजा, क्योंकि हर किसी के साथ तो कृष्ण भगवान आएंगे नहीं, किसके साथ आएंगे? क्रूर लोगों के साथ भगवान थोड़ी जाता है, अक्रूर है, अक्रूर काका थे भगवान के। संत जन कहते हैं अक्रूर जी ब्रज गोकुल पधारे, और जब ब्रज वृंदावन गोकुल में पधारे तो संत जन कहते हैं सायंकाल के समय भगवान ने अपने घर के आंगन में रथ को देखा। बाबा से जाकर पूछा तो बोले आपके काका आए हैं और आपको मथुरा भ्रमण कराने लेके जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण मैया के पास गए तो मैया कह रही है अक्रूर नहीं है तो क्रूर है जो मेरे पुत्र को लेने आया। अच्छा, मैया को ऐसा लगने लगा कि मेरा पुत्र अब चला जाएगा, अब वापस नहीं आएगा, और कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर जाए। इसीलिए तो कहते हैं गांव में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं मिलेंगे आपको। गांव में वृद्धाश्रम होते हैं क्या? वृद्धाश्रम मिलेंगे तो शहर में, और गांव में किसान, गांव में आप देखना गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि भले घर में पति पत्नी में कितना ही झगड़ा हो, वो भले ही पत्नी कुछ भी कहते पर कहते मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, ने शहर में छोड़ के आता है। नो भेरू भी अड़ो महाराज वा केदे देवी तो छोड़ के बाजा, गलत है कि सही है? तो आज बड़ा पहले भी शायद कहा था कि जिसने दुखाई आत्मा डूबता मझधार है, और मात पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। संसार सागर है अगर मात पिता एक नाव है, जिसने की तन से सेवा उनका बेड़ा पार है। आज माँ यशोदा रो रही है, रात्रि के समय भगवान मैया के पास गए, और जब मैया को रोते देखा तो जब माँ रो रही थी तो भगवान ने माँ को चुप किया। माँ चिंता क्यों करती, कल जाएंगे परसों आ जाएंगे। और कहते हैं ना महाराज दो ही बेटा को ब्याह करिया पाछे जाने चार हो गया, और चार है फिर दो बेटा, तो दो का चार ने चार का हो गया आठ, और भी आठ ही जना सोचे कई सोचे ये दो ही जना किका भेड़े रहेगा, इनके रोटी कौन देगा, है कि नहीं दुख की बात? इसलिए माँ बाप को भी है ना बच्चे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सेल्फ ओन हो, 10 बीघा जमीन है नहीं, 3 बीघा छोटा के दे दो, 3 बीघा मोटा कर, 4 बीघा खुद कर रखो। जब तक हमें जब तक तो हमारा कन रहेगा, हमारा जाया पाछे बांट लीजो, तो रोटी देने सेवा भी करे, जो बांट दी तो फिर भी दो ही भाई लड़ेगा, यो रोटी देगा। के नहीं महाराज, दो बेटा 15-15 दिन माँ को बांट ले, 15 दिन छोटो बेटो रोटी दे 15 दिन, और महीना में 31 तारीख आए तो माँ के व्रत करना पड़े, कौन रोटी दे? संसार की हालत बड़ा महाराज, पर अपन गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब पर भगवान की खूब सारी कृपा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो यहाँ संतजन कह रहे हैं माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से जब रोने लगी तो भगवान ने समझाया माँ कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा। संतजन यहाँ ऐसा कहते हैं कि मैया यशोदा ने भाव प्रकट किया कि हे कृष्ण आप पर जिम्मेदारी है, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप तो देवकी के पुत्र हो, आपके पिता वसुदेव हैं, और मथुरा का राजा कंस नहीं, मथुरा का राजा तो उग्रसेन है, और आपको धर्म की स्थापना करना है, आपको अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाना है। और जब माँ ने ऐसा कहा तो भगवान रोने लगे। भगवान कह रहे मेरी माँ तो यशोदा है और कोई मेरी माँ है ही नहीं। बोले नहीं, मैं तेरी माँ तो हूँ पर मैंने पाला है, जन्म देने वाली तो देवकी है। और जब ऐसा कहा तो भगवान रो रहे, और भगवान रो कर कहते हैं माँ संसार में कोई भी कहेगा कन्हैया किसका लाला है तो कोई देवकी का नहीं कहेगा, जो भी कहेगा वो यशोदा का ही लाला कहेगा महाराज। और सच्ची माँ यशोदा बड़ी भाग्यशाली थी जिनके यहाँ भगवान रहे। बोले यशोदा मैया की, तो यहाँ माँ ने समझाया, सुबह हुई अक्रूर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया, और सभी महाराज आज 9 लाख गाय रो रही है, ब्रज वृंदावन का कण कण भूमि रो रही है, ब्रज के सखा गोपियां रो रही हैं। गोपियां महाराज रास्ता रोक लेती है, कहा प्राण प्यारे आप जा रहे हैं तो हमारे प्राणों को भी साथ ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण सखियों को गोप सखाओं को सबको समझा कर आश्वासन देकर जाते हैं कि भाई मैं जरूर आऊंगा वापस, और बस एक आस के भरोसे ब्रजवासी महाराज कि मेरा कृष्ण गया है तो फिर आएगा। नंद बाबा अपने गोप होशियार गोप सखाओं को साथ में लेते हैं, बैलगाड़ियों में माखन भरते हैं और मथुरा कर देने के बहाने चलते हैं, क्योंकि नंद बाबा कंस को कर देते थे
तो सखाओं को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण तो अक्रूर जी के साथ गए हैं, पर नंद बाबा भी अपने सखाओं को लेकर मथुरा पधारे। बीच रास्ते में अक्रूर जी महाराज को दिव्य स्वरूप का दर्शन भगवान नारायण ने दिया और यमुना में भी नारायण के दर्शन हुए और रथ में भी नारायण के दर्शन हुए। मथुरा आए, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बाबा भी मथुरा में आ चुके हैं, तो अक्रूर जी से कहा कि हम सभा में पधार जाएंगे, आप चलिए हम बाबा के साथ नगर भ्रमण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मथुरा नगरी भ्रमण करने गए और सबसे पहले भगवान को मथुरा में एक धोबी मिला, छोटा मोटा धोबी थोड़ी था, हजारों हजार सेवक थे उस धोबी के साथ, और ये धोबी ऐसा था कि सिर्फ राजशाही वस्त्रों को धोता था, बड़े बड़े वीर योद्धाओं के वस्त्र जिनमें हीरे मोती जवाहरात महाराज लगे हुए हैं। तो वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मामा जी, ओ मामा जी, धोबी कह रहा तू कौन है? बोले मैं आपका भांजा हूँ, आप पहचान नहीं रहे मुझे? बोले मैं कैसा मामा? कह नहीं, गांव में एक मामा जी तो सब मामा जी कहते हैं कि नहीं, एक बाजी तो बाजी, एक मामा तो। बोले ये तो मथुरा तो मेरे मामा का घर है, आप तो हमारे मामा जी हो, ये वस्त्र हमें दे दीजिए महाराज, सखा हम गांव के लोग हैं, ये वस्त्र पहनना चाहते हैं। अरे तुम गांव के लोग क्या समझो, ये तो राजा महाराजा के वस्त्र हैं, भगवान के राम अवतार थोड़ी है, तो कृष्ण अवतार है। और भगवान ने धोबी का कल्याण किया, बोलो भक्तवर भगवान की, वो वस्त्र पहन लिया। और इतने बड़े बड़े महाराज, भगवान तो बालक का स्वरूप है और बड़े बड़े योद्धाओं के वस्त्र थे, तो वो वस्त्र महाराज भगवान श्री जो गोप सखा थे उनके साथ जब वो चलने लगे तो वस्त्र जमीन से घसीट के चलने लगे, जैसे मानो पूरा रास्ता बिना झाड़ू के ही साफ हो रहा है। तो फिर रास्ते में एक महाराज एक सेवक एक दर्जी मिला, उस दर्जी ने कहा प्रभु आपके वस्त्र ठीक कर दूं? भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। तो दर्जी ने कैंची से भगवान के सारे वस्त्र जो बड़े थे उनको निकाल दिया और जहां जहां जैसा था वहां तक भगवान को ठीक ठाक वस्त्र पहना दिया। भगवान ने दर्जी के ऊपर खूब कृपा की कि तेरा काम खूब चलेगा, और दर्जी का काम खूब चल जाए, कहीं कपड़ा डाल बजाओ तो 8 दिन का पहला नहीं देगा, हैं भले ले जाओ, नहीं पटकना मत पटक, पर 8 दिन बाद ही मिलेगा। हर हर तीसरा कहा गया है कुब्जा, कंस की एक दासी थी जिसका नाम था कुब्जा, और वो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। कितनी जगह से? 8 जगह। काम क्या करती थी? चंदन घिस के कंस महाराज के लिए ले जाती थी। अब चंदन का कटोरा लेकर रास्ते मार्ग से जा रही थी तो आज कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण और सखाओं को आते देखा। कुब्जा ने सोचा कितना सुंदर बालक, ये तो मुझे लगता है परमात्मा है, और आज तक दुनिया के लिए खूब चाकरी की, दुनिया की खूब सेवा पूजा कर ली, आज परमात्मा आए हैं तो परमात्मा की चाकरी करना चाहिए। तो कुब्जा के पास चंदन का जो कटोरा था जो कंस महाराज के लिए लेकर जा रही थी, आज वो चंदन राजा के लिए लेकर नहीं गई, आज चंदन उसने भगवान द्वारिकाधीश को अर्पण कर दिया। महाराज भगवान ने देखा कुब्जा ने मेरा श्रृंगार किया है, तो भगवान कुब्जा के ऊपर कृपा करते हैं साहब। जो कुब्जा 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, भगवान ने अपने दाहिना पैर कुब्जा के अंगूठों पर रखा, दोनों पैर के अंगूठे पर महाराज दाहिना पैर रखा, एक हाथ पीछे रखा पीठ पर और एक हाथ थोड़ी पे रखा, और जो टेढ़ी मेढ़ी थी उस कुब्जा को भगवान ने सीधा कर दिया, जो कुरूप थी उसे रानी कर दिया, और जो दासी थी उसे रानी, जो कुरूप उसे सुंदर बना दिया। बड़ा सुंदर भाव कहा है यहाँ, इसलिए ध्यान दो, सजाना है तो खुद को मत सजाओ, सजाना है तो भगवान द्वारिकाधीश को सजाओ। महाराज कहा ना अलंकार प्रियो कृष्ण, भगवान कृष्ण को अगर कुछ प्रिय है तो अलंकार,